गाइस आज मेरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने नॉन मेंटेनेंस का चार्ज काट लिया, आप साइट में देख सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने ये पैसा वापस करा लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कैसे कटता है, कितना चार्ज लगता है, हमारा चार्ज अगर कट गया तो उसको वापस कैसे लेना है, अगर मेरा चार्ज नहीं कटता तो वापस कैसे लेता। इसलिए मैंने इस महीने में अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं बनाया था, ताकि मुझे देखना था कि कितना चार्ज कटता है नॉन मेंटेनेंस का, इसको वापस कैसे लेना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं सारा प्रोसेस। अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर हैं और आप नॉन मेंटेनेंस के बारे में समझना चाहते हैं तो ये एक डिटेल्स वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज किस प्रकार से और कितना कटता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी का चार्ज कट गया है तो उसको वापस कैसे लेना होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट आपको लगभग नहीं मिलता है। आईडीएफसी बैंक में दो ही अकाउंट फेमस रहते हैं, एक 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस और एक 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला। तो आपको जल्दी से दोनों अकाउंट के चार्ज के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट की। अब यहां पर चार्ज को समझ लो किस प्रकार चार्ज कटता है। अब जैसे मान लो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस बनाकर चलना है, अगर आपके अकाउंट में 7,500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस रहता है, यानी कि 10,000 रुपए पूरा नहीं हो पाता है, तो बैंक यहां पर आपसे 50 रुपए का चार्ज काटेगा। उसी प्रकार से अगर आपका 5,000 से लेकर के 7,500 रुपए के बीच में एवरेज मंथली बैलेंस रहता है महीने में, तो आपसे बैंक 250 रुपए का चार्ज लेगा। और वहीं आपका अगर 5,000 रुपए से कम एवरेज बैलेंस रहता है आपके अकाउंट में तो 500 रुपए का चार्ज बैंक यहां पर काट लेगा। ध्यान रखना, आपका यहां पर चार्ज कटता है आपके एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका 1 रुपए कम हुआ बैंक ने पूरा चार्ज काट दिया। यहां पर बताया भी गया है कि इतने से इतने के बीच में आपका अगर एवरेज बैलेंस रहेगा तो इतना चार्ज कटेगा। अब चेक कैसे करोगे कि हमारे अकाउंट में इस महीने में कितना एवरेज बैलेंस चल रहा है, तो यह चेक कर सकते हो आप अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, वहां पर आपको शो हो जाएगा कि आपने अपने अकाउंट में इस महीने में कितना एवरेज बैलेंस बनाया है। अगर आपका 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस होगा तो कोई भी चार्ज बैंक आपसे नहीं काटेगा, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो इस प्रकार से यहां पर जानकारी बताई गई चार्ज आपका लगने वाला है। अब हम बात करते हैं 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाले अकाउंट की। तो यहां पर आपको 25,000 रुपए एवरेज बैलेंस बनाना है अपने अकाउंट में। अगर आपका बैलेंस यहां पर 25,000 से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में रहता है महीने में, तो आपसे यहां पर 50 रुपए का चार्ज काटा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में रहता है तो 100 रुपए का चार्ज कटेगा, और अगर 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में रहता है तो 150 रुपए का चार्ज लगेगा, और 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में 200 रुपए का चार्ज बैंक आपसे काटेगा। और अगर आप किसी महीने में 5,000 रुपए से कम एवरेज मंथली बैलेंस बनाते हैं अपने 25,000 रुपए वाले अकाउंट में, तो आपके अकाउंट पर 400 रुपए का नॉन मेंटेनेंस का चार्ज काटा जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कटता है, जो कि आप यहां पर समझ गए होंगे। चल अब हम बात करते हैं कि अगर किसी का गलती से या किसी भी कारण से बैंक ने चार्ज काट लिया तो उसको वापस किस प्रकार से लेना होता है। तो सबसे पहले तो आप प्रूफ देख लो, मैंने अपना चार्ज यहां पर रिवर्स कराया है। मेरा चार्ज यहां पर 295 रुपए के आसपास काटा गया था बैंक की तरफ से। तो अगर आपका चार्ज कट गया है और आप उस चार्ज को वापस कराना चाहते हैं तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बार ही चार्ज वापस करा सकते हो। इसके लिए आपको या तो अपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जाना है और वहां से आप रिक्वेस्ट डलवा सकते हो, या फिर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। वहां पर आप कॉल करके बोलिएगा कि सर मेरा फर्स्ट टाइम आईडीएफसी बैंक ने नॉन मेंटेनेंस का चार्ज काटा है और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, गलती से ये चार्ज मेरा कट गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा और अपने अकाउंट में मैं प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलूंगा, प्लीज एक बार मेरा चार्ज रिवर्स कर दीजिएगा। तो वो वहां से आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे और फर्स्ट टाइम आपका चार्ज रिवर्स कर देंगे। और ये चार्ज आपका केवल एक बार ही वापस होगा। अगर आपका चार्ज दोबारा कट गया है और आप कॉल करते हो तो आपका चार्ज वापस नहीं किया जाएगा, केवल आपका चार्ज यहां पर फर्स्ट टाइम रिवर्स किया जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको तभी अकाउंट ओपन करना चाहिए
जब आप बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलता है। अगर आप नॉन मेंटेनेंस रखोगे तो बैंक आपसे चार्ज काटेगा, और अगर चार्ज के लिए पैसा खाते में नहीं होगा तो बैंक आपके खाते में माइनस बैलेंस कर देगा, जिससे आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, बाद में अकाउंट बंद भी नहीं होगा। तो अगर आप कोई ऐसा अकाउंट ढूंढ रहे हैं जो जीरो बैलेंस हो, आपके लिए कोई भी चार्ज ना कटे कभी भी, तो आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट या कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों अकाउंट ओपन करने के लिंक मिलेंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। आपका कभी चार्ज IDFC फर्स्ट बैंक ने काटा है कि नहीं काटा, कमेंट जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।